हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के 5 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे और आज हम इसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज टॉपिक नंबर 6। और इस टॉपिक का नाम है डिफरेंसेस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो लास्ट चैप्टर था पार्टनरशिप का, उससे हम इसे कंपेयर करेंगे आज। तो चलिए करते हैं इसको कंपेयर। हम बेटा, जब भी डिफरेंसेस का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक टेबल बनानी होती है। उस टेबल में एक कॉलम होता है बेसिस ऑफ डिफरेंस और रिमेनिंग जो कॉलम होते हैं दो, वो होते हैं जिनमें आप डिफरेंस कर रहे हैं उसके। तो पहला कॉलम है बेसिस ऑफ डिफरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी का, पहला कॉलम ले लेते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी, और दूसरा कॉलम ले लेते हैं हम पार्टनरशिप। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस है, दैट इज एक्ट और लॉ। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बेटा जो एक्ट हम यूज करते हैं, जिसके प्रोविजन हम काम में लेते हैं, वो है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और इसका ईयर है 1912। पार्टनरशिप का एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये एक्ट हम यूज लेते हैं दोनों के लिए, दोनों को रन करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए। सेकंड बेसिस इज रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, लेकिन पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, चाहें तो रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल बट ऑप्शनल। ओके, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवाएं तो भी चल जाएगा। तीसरा पॉइंट है बेटा लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। स्टूडेंट्स, बड़ा ही मेन डिफरेंस है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिखेंगे इसमें द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड, वेयर एज द लायबिलिटी ऑफ
पार्टनर्स इन पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड, यानी इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है पार्टनर्स के लिए, जबकि मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक अच्छी बात होती है। पॉइंट नंबर 4, लीगल एग्जिस्टेंस। लीगल एग्जिस्टेंस में कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक सेपरेट एंटिटी माना गया है, उसके मेंबर्स हैं, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो मेंबर से अलग होती है। तो यहाँ पे देर इज ए सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम किससे, फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जबकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को अलग अलग नहीं माना गया, दोनों को एक ही माना गया है। देर इज नॉट सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बिटवीन पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप। यहाँ पे मेंबर्स और पार्टनरशिप दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों को एक ही माना गया है। पॉइंट नंबर 5, प्रॉफिट्स। सोसाइटी का जो सरप्लस होता है उसे एक स्पेशल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो यहाँ पे द डिस्पोजल ऑफ सरप्लस इज डन अकॉर्डिंग टू इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, जो मैंने आपको बताया भी था कि सोसाइटी का जो सरप्लस होगा उसका इतना पोर्शन हम रिजर्व्स में डालेंगे, इतना पोर्शन हम बोनस देंगे, इतना पोर्शन हम सोशल डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे और इतना पोर्शन हम डिविडेंड के लिए यूज करेंगे। जबकि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो पार्टनर्स में एक प्री डिटरमाइंड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे द प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनरशिप आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ए प्री डिटरमाइंड रेशियो, जो पहले से निर्धारित रेशियो हैं उसमें डिवाइड कर लिया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी का डेवलपमेंट करना होता है। तो यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी इज म्यूचुअल हेल्प टू इट्स मेंबर्स, नॉट टू अर्न मनी।
जबकि पार्टनरशिप में लोग इसलिए शामिल होते हैं कि वो बिजनेस एक्टिविटीज करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न प्रॉफिट। तो इनका जो उद्देश्य होता है शामिल होने का पार्टनरशिप फर्म में, वो पैसा कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था पॉइंट नंबर 6। अब लास्ट पॉइंट और है, नंबर ऑफ मेंबर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि सोसाइटी में मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम 100 इन कंज्यूमर सोसाइटी एंड अनलिमिटेड इन अदर्स। कंज्यूमर में अधिकतम 100 मेंबर्स हो सकते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में अधिकतम 100 मेंबर्स हो सकते हैं, जबकि दूसरी सोसाइटीज में ये नंबर ऑफ मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए कम से कम मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम 50, एंड इट कैन बी इंक्रीज अप टू 100। इट कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 100 after following provisions of Indian Companies Act 2013 में इस संख्या को बढ़ाया भी गया है, 100 तक 100 मेंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन अभी ये प्रोविज़न कंपनी एक्ट में अलाउ नहीं किया जाता। सो अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने बेटा, 50। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप 50 ही रेफ़र करेंगे, 100 रेफ़र नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द टॉपिक फॉर टुडे, और आप इस टॉपिक को कंप्लीट करके, चैप्टर को कंप्लीट करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।